अजी जल्दी उठो, नहीं तो दुकान खोलने में देरी हो जाएगी। हाँ हाँ गोरी चलो। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, लगता है आज अच्छा मुनाफा होगा। हाँ हाँ गोरी चलो जल्दी से दुकान खोलते हैं। अरे सुंदर कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे एक चाय और एक प्लेट पकोड़े दे दो। हाँ हाँ जरूर, ये लो। वाह क्या बात है, आज के पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। और चाय? हाँ हाँ चाय का तो क्या ही कहना, मैं तुम्हारे चाय और पकोड़े खाए बिना रह नहीं पाता। वो सब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मीनू मौसी के साथ साथ जंगल के कुछ पंछी आ जाते हैं। कालू सभी को एक एक प्लेट पकोड़े और चाय दे देता है। कालू तू एक काम कर। क्या मीनू मौसी? तू हमें ठेले के पास ही घोंसले बना कर दे दे। क्यों क्या हुआ मीनू मौसी? दिन ब दिन तेरे पकोड़े और चाय और भी ज्यादा जायकेदार होते जा रहे हैं। अगर यहीं पर पास में ही घोंसला होगा तो मैं दूसरा कुछ खाऊंगी भी नहीं, सिर्फ चाय और पकोड़े ही खाऊंगी। मीनू मौसी की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजा जी के सिपाही आ जाते हैं। अरे हटो हटो रास्ता दो। कालू राजा जी ने हमें तुमसे दो प्लेट पकोड़े और चाय लाने के लिए भेजा है। सुना है तुम बहुत ही अच्छी चाय और पकोड़े बनाते हो। सच बताऊं सिपाही जी, मैं कुछ नहीं करता, ये सब मेरे बीवी गोरी के हाथ का कमाल है। रुके मैं अभी राजा जी के लिए चाय और पकोड़े बनाता हूँ। गोरी गर्मा गर्म पकोड़े तल देती है और इधर कालू गर्मा गर्म चाय बना देता है। ये लीजिए सिपाही जी, मैंने चाय ठंडी ना हो इसीलिए चाय थर्मस में डाली है। अरे कालू तेरे चर्चे तो अब पूरे जंगल में फैल गए हैं। अगर राजा जी ने तुझे राजबावर्ची बना दिया तो हम गरीब पंछियों को भूल मत जाना। अरे मीनू मौसी आप ऐसी बात क्यों कर रही हो, आप सभी के प्यार की वजह से तो ये सब हो रहा है। अजी अब घर चलते हैं, दोपहर हो चुकी है, थोड़ा आराम करके फिर वापिस काम पर लौटेंगे। कालू और गोरी दुकान बंद कर कर घर की तरफ लौटते हैं। वो घर आ जाते हैं। उन्हें घर आए कुछ ही देर हो गई थी तभी वहाँ पर कालिया आ जाता है। अरे कालिया भैया आप अंदर आ जाओ। अरे अब ये क्यों आ गया बिन बुलाया मेहमान, कैसी हो मेरी बहना? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। अच्छा हुआ आप दोपहर के समय आ गए। क्यों क्या हो गया गोरी? मैंने नया, मेरा मतलब है हमने नया दुकान शुरू किया है। कैसी दुकान? चाय पकोड़े की। अरे वाह गोरी ये बहुत अच्छा हुआ, वैसे भी बारिश के समय सबको पकोड़े और चाय बहुत अच्छे लगते हैं। अरे क्या बताओ भैया, पूरे जंगल के पंछी हमारे चाय पकोड़े खाने के पीछे पागल है पागल। गोरी मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। ठीक है जाते जाते छाता लेकर जाना। बहना तुमने दुकान तो शुरू की है लेकिन मुनाफे का क्या? वो क्या है ना? क्या बात है मुझे खुलकर बताओ। हमारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है लेकिन मुनाफा ना के बराबर होता है। अच्छी क्वालिटी देने के चक्कर में ले देकर थोड़े ही पैसे हाथ में रहते हैं। तुम तेल कितने दिन में बदलती हो? यही एक या दो दिन में। और दूध में पानी मिलाती हो या नहीं? नहीं नहीं मैं दूध में जरा भी पानी नहीं मिलाती। बस तुम तुम्हारे पति को संभाल लेना, बाकी मैं देख लूँगा। थोड़ी देर बाद कालू घर आ जाता है। अरे कालू जी ये क्या हो गया, आपको ये चोट कैसे लग गई? मैं जंगल के ऊपर से उड़ रहा था तभी अचानक ओलों की बारिश शुरू हो गई, उसी से मुझे ये चोट आ गई है। मैंने आपसे कहा था छाता साथ में लेकर जाना। मैं छाता लेकर जाना भूल गया गोरी। अरे बाप रे इस वर्षावन में रहना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। अब आप एक काम कीजिए घर पर ही आराम कीजिए, मैं और कालिया जाकर शाम की दुकान लगाते हैं। हाँ जीजा जी गोरी ठीक ही कह रही है। कालू को घर पर ही छोड़कर वो दोनों दुकान में आ जाते हैं। गोरी तेल को बिना बदले ही पकोड़े तल देती है और दूध में पानी मिलाकर चाय बना देती है।
दुकान खोलते ही मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। क्यों बुरी, क्या चल रहा है और ये कौन है तुम्हारे साथ? मीनू मौसी, ये मेरा भाई कालिया है, ये यही पास वाले जंगल में रहता है। मैंने सुना कालू को चोट लगी है, अब उसकी तबीयत कैसी है? अभी उनकी तबीयत ठीक है मीनू मौसी, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी उसी से मिलने जा रही थी, सोचा थोड़ी पकौड़े और चाय पीती जाऊं। ठीक है मीनू मौसी, ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। थू 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 थू, अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये पकौड़े है या बकरी का चारा? इन पकौड़ों में से तेल की कितनी बदबू आ रही है गोरी, इससे अच्छा तो मैं भूखी रह जाती, इन्हें खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। वो सब जाने दो, पहले चाय और पकौड़े के पैसे दो। मैं सब समझता हूँ, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसीलिए आप चाय और पकौड़े को भला बुरा कहकर बिना पैसे दिए ही यहाँ से खिसकना चाहती हो। अरे ओ कलमुहे, तुझे क्या मैं भिखारी दिख रही हूँ? मेरे दिखने पे मत जा बच्चे, अगर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं ऐसे 10 दुकान एक साथ एक लाइन में लगा सकती हूँ। वो तो गोरी ने बनाए हुए पकोड़े और चाय का स्वाद मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आती थी। लेकिन आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे पता है, जब से तू यहाँ पर आ गया है तूने ही कुछ मिलावट की होगी। और कितने हुए तेरे चाय और पकोड़े के पैसे? अरे ये क्या, आते ही तूने दाम भी बढ़ा दिए? ये क्या लिखा है यहाँ, एक चाय 5 रुपए की बजाय 15 रुपए और पकोड़े 10 के बजाय 30, मतलब मेरे हुए 45 रुपए। ये ले 500 रुपए, बाकी के टिप समझ के रख लेना, आया बड़ा मुझे बोलने वाला। मीनू मौसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे भैया, अभी अभी ये क्या हुआ? मीनू मौसी को मैंने आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा, आपने खामखा ही उनको बोल दिया, उसी बात का वो बुरा मान गई। लगता है खराब तेल और दूध में पानी मिलाने की वजह से हमारे चाय और पकोड़े का स्वाद बदल गया है, मुझे खुद खाकर देखना चाहिए। गोरी ने जैसे ही एक पकोड़ा खाया, खाते ही उसने भी थूक दिया और जैसे ही चाय पी उसे तो उल्टी ही हो गई। अरे बाप रे भैया, मीनू मौसी तो सच बोल रही थी, पकोड़े और चाय का स्वाद एकदम बेकार हो गया है, अब हम क्या करें? अरे कुछ नहीं होता, तुम्हें चाय और पकोड़े रोज बनाती हो ना और खाती भी हो, इसीलिए इसका टेस्ट तुम्हें बोर हो गया है। और दूसरी तरफ वो मीनू मौसी, उस अकेले के कहने पर हम ऐसे ही उस पर विश्वास नहीं रख सकते, हमें हमारा काम शुरू रखना चाहिए। मम्मी, हमें भी गोरी आंटी के हाथ के चाय और पकोड़े खाने हैं, चलो ना मम्मी प्लीज। अरे बच्चो, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अगर तुम बाहर का खाना खाओगे तो तुम बीमार पड़ सकते हो, इसीलिए जिद मत करो। नहीं मम्मी, हमें खाना है, हम दोनों को छोड़कर जंगल के बाकी सारे बच्चों ने खाया है, चलो ना मम्मी। बच्चों के जिद के आगे लाड़ो की एक ना चली और वो बच्चों को लेकर गोरी के दुकान की तरफ निकल पड़ी। थोड़ा आगे आने पर उनको रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती है। अरे लाडो, ये बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? मीनू मौसी, बच्चे चाय और पकोड़े खाने के लिए जिद कर रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें लेकर गोरी के दुकान की तरफ जा रही हूँ। क्यों मीनू मौसी, ऐसा क्या हुआ? मीनू मौसी लाडो को सारी घटी हुई घटना बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन मुझे बच्चों को एक बार लेकर जाना ही होगा, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। देख लो तुम्हारी मर्जी, बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। इतना बोलकर मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। लाड़ो भी बच्चों को लेकर दुकान की तरफ निकल पड़ती है। अरे लाड़ो, तुम यहाँ, बताओ क्या दूँ, चाय या पकोड़े? गोरी बहन, आज मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए दे दो, 2 कप चाय और 2 प्लेट पकौड़े। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। बच्चों ने पहली बार ही चाय और पकौड़े खाए थे, इसीलिए उनको इनका टेस्ट पता नहीं था,
बच्चों ने चाय और पकोड़े खा लिए। पैसे देकर लाड़ो और बच्चे घर की तरफ निकल पड़े। तीनों घर आ जाते हैं। घर आते ही बच्चों को उल्टियां होने लगती है और तेज बुखार भी आ जाता है। लाड़ो वक्त ना गवाते हुए बच्चों को डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर आती है। डॉक्टर बच्चों की जांच कर लेते हैं। अरे लाड़ो, बच्चों को तो फूड पॉइजनिंग हुई है। आज बच्चों ने क्या खाया था? लाड़ो उल्लू चाचा को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब मुझे पता चला, आज सुबह से ही बहुत सारे पंछी इसी प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास आ रहे हैं। लगता है गोरी के चाय और पकोड़े में ही कुछ गड़बड़ है। हमें राजा जी के पास इस बात की कंप्लेंट करनी चाहिए। लाड़ो, मीनू मौसी और भूरा मिलकर राजा जी के पास आ जाते हैं। लाड़ो सारी बात राजा जी को बताती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो, मैं राज बावर्ची को साथ लेकर आता हूँ। हम गोरी के दुकान के चाय और पकोड़ों की जांच उनसे करवाएंगे। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे मिलकर गोरी के दुकान के पास आ जाते हैं। राज बावर्ची दुकान में रखे हुए सारे सामग्रियों की जांच करता है। राजा जी, पकोड़े बनाने में जो तेल इस्तेमाल हो रहा है उसे बहुत समय से बदला नहीं गया, और चाय बनाने के लिए जो दूध इस्तेमाल हो रहा है उसमें पानी मिलाया गया है। वो पानी भी दूषित है, इसी वजह से पंछी बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। सिपाहियों, इस दुकान में जितना भी सामान है वो जब्त कर लो। और गोरी, मैं तुम्हें ये ठेला हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देता हूँ। साथियों, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इस भाई की वजह से ये सब हुआ है। उसी के कहने पर मैंने ये सब किया है। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। कालिया, तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़ के यहाँ से चले जाओ। गोरी और कालिया घर वापस आ जाते हैं। अरे गोरी, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे मुँह लटका कर क्यों आए हो? गोरी सारी बात कालू को बताती है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। क्यों गोरी, अब पता चला लालच बुरी बला है। कालिया अपना सामान लेकर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है।